क्लास 6, आज क्लास 6 का रिवीजन, क्लास 5 का रिवीजन नहीं करा रहे थे, इसको ध्यान रखिएगा। 6 क्लास का रिवीजन, एक क्वेश्चन मेरे पास में आया, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 816 फ्रॉम -23। बोला गया इसमें, पहले ही ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्ट द 816 नहीं था सर, 813 था। हाँ, हमको याद आया, क्वेश्चन 813 है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 813 फ्रॉम -23। पहले ये दोनों को आप सम कीजिए, उसके बाद आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले सम ऑफ -1050 एंड 813 ऐसे लिख दिए, तो -1050 प्लस इक्वल टू, यहां देखिए छोड़ दीजिए, 813। इसको ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे माइनस होता और इसमें भी कोई साइन होता तो आप उससे ब्रैकेट करना जरूरी था, और यहां पर इधर कुछ है नहीं इसलिए ब्रैकेट आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो आपका एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा किसी इस केस में हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। एक माइनस एक प्लस रहेगा तो आपका उस केस में हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट होगा तो पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जीरो में से थ्री नहीं जाएगा तो वन कर ही लेंगे, 10 माइनस थ्री हो गया 7, यहां बचा 4 में से 1 चला गया 3 बचा, फिर आपका यहां ये कितना है, 0 का 0 है तो 1 कर ही लेंगे 10 में से गया कितना आ गया, 237 आ गया। तो 237 813 था ना, सॉरी 1050, हाँ ठीक है। तो आपका इसमें साइन होगा माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है ये, इसलिए साइन कर दीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, किससे, इससे। यहां नाउ -23 पहले लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम के बाद है ये, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -237। तो यहां पे -23 का -23 एडिट्यूड करिए, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 237 लिख दीजिए। तो एक प्लस एक माइनस, फिर यहां घटेगा लेकिन साइन प्लस का, क्योंकि प्लस यहां पे बड़ा है, क्लियर पहले दिख रहा है। तो 7 में से 3 को माइनस करिए आ गया 4, 3 में से 2 को माइनस करिए 1, 2 का 2 आ गया। अब साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा है तो प्लस का साइन लिखिए अथवा नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 214 आपका इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन को जो है सो रिवाइज करना है, क्लास 6 ध्यान से देख लीजिए। इसमें से जब आप टेस्ट में लिखेंगे तो आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि आपके पास टेस्ट में कहीं 1050 की जगह कोई दूसरा नंबर तो नहीं आ गया, क्योंकि कितना बच्चा ऐसा सोचता है कि रिवीजन जो करा रहा है सर वही क्वेश्चन सेम, देखते ही बता 10 देखा, हो सकता है यहां कुछ चेंज हो, यहां कुछ चेंज हो, तो उस केस में आप गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए आपको सावधानी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एड और सप्लाई आपको करना है, इसमें थोड़ा लापरवाही करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।